अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ से अगर कुछ शोर आए तो उसको इग्नोर कर सकते हैं आप, ठीक है? बिकॉज ये पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो पहली बात, अगर मैं बताऊँ कि योर फिजिक्स पेपर इज हेयर, योर केमिस्ट्री पेपर इज हेयर, योर फिजिकल एजुकेशन पेपर इज हेयर, आपका जो भी पेपर है दैट इज हेयर, तो ये जो चीज़ें हैं ये मैंने क्यों रखी हैं, ये टाइटल मैंने क्यों रखा है, बिकॉज आजकल आप देखते हो यूट्यूब पे, यूट्यूब कश्मीर पे, कि आजकल मुझे लगता है छोटे से छोटा बच्चा, बड़े से बड़ा बच्चा या इंसान मतलब यूट्यूब पे आ रहा है, आपके जेके वो उसके लिए वीडियो बना रहा है, स्ट्रैटेजी दे रहा है और पेपर्स आपको दे रहे हैं, खासकर कि योर पेपर इज हेयर, योर दिस पेपर इज हेयर एंड दिस पेपर इज देयर, जो भी है। तो मेहरबानी करके मैं बता रहा हूँ कि अगर मैं खुद से भी मैंने वो चेक किए थे कि कोई सा भी क्वेश्चन उससे नहीं आ रहा है, ठीक है? तो दैट इज जस्ट फॉर वेस्टिंग योर टाइम। तो मेरा मेन मकसद ये नहीं है कि मैं उन पे बात करूं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि गेस्ट पेपर्स, बहुत सारे बच्चे गेस्ट पेपर मांग रहे हैं, मैं लिटरली बता रहा हूं। तो मेरे पास जेके बोस वाले अगर मुझे पेपर भी भेजे तो मैं वो आपको देने के बावजूद भी ये बताऊंगा कि इस पे भरोसा मत करो। अगर उसका 100% भी आने का चांस हो तब भी मैं बताऊंगा उस चीज पे यकीन मत करो, बिकॉज गेस्ट पेपर पे डिपेंडेंट रहना मतलब आप अपने करियर के साथ खेल रहे हो, बिकॉज खुदा ना खास्ता कोई सब्जेक्ट रेपियर आया तो एक साल जाया, ठीक है? प्रीवियस ईयर हमने देखा बहुत सारे बच्चों का यही सीन हुआ था, बिकॉज उन्हें सिर्फ गेस्ट पेपर प्रिपेयर किए थे, उन्हें सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्रिपेयर किए थे। बाकी और एक चीज भी मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि आप व्यूज के लिए कर रहे हो ये सब, ठीक है? अगर मुझे व्यूज चाहिए होते मैं कब का ब्लॉगिंग में घुस गया होता, एंड मुझे पता है इससे ज्यादा मैं उसमें ग्रो अच्छे से हो जाता, वो मुझे खुद पे भरोसा है। अगर मैं ब्लॉगिंग में चला जाता मेरी इससे ज्यादा ग्रोथ हो जाती, मेरा रेवेन्यू भी बढ़ जाता, मेरा सब कुछ अच्छा हो जाता, एंड इवन मैं आपको शॉर्ट वीडियोस प्रोवाइड करता हूँ, उसका मतलब ये कि मेरा रेवेन्यू बहुत कम है, ठीक है? एज कम्पेयर टू दोज गाइज जो आपको 10-10, 20-20 मिनट की वीडियोस दे रहे हैं ना, उनका रेवेन्यू मेरे से डबल है। दैट इज वाई देखो यूट्यूब का एक क्राइटेरिया होता है, आपको 8 मिनट मिनिमम वीडियो चढ़ानी होती है ताकि आपका रेवेन्यू भी अच्छा खासा हो जाए। मेरी वीडियोस अगर आप देखोगे उनकी ड्यूरेशन कम ही होती है ताकि आपको कम समय में ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है? तो अब वो चीज साइड में रखते हैं, लेकिन मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं, अपना टाइम वेस्ट मत करो यूट्यूब पे ये देखने के लिए कि गेस्ट पेपर हमें चाहिए। एक बंदा एक गेस्ट देगा, दूसरा बंदा दूसरा गेस्ट देगा, वहां पे भी वो दे देते हैं 70-80 क्वेश्चन, मतलब 100 क्वेश्चन दे देते हैं, फिर बताते हैं इसी में से आएगा। अरे पूरा सिलेबस ही आपने सामने रखा है, ऑब्वियसली इसी में से आएगा। तो क्या करना है, जो आप ये वीडियोस देख रहे हो कि योर गेस्ट पेपर इज हेयर, योर फिजिक्स पेपर इज हेयर, मतलब मैंने देखे हैं बहुत सारे कुछ यूट्यूबर्स हैं जिनका सेम टाइटल है यार कि फिजिक्स पेपर इज हेयर, वो हेयर, ये हेयर, तो ये चीजें देखने से कुछ भी नहीं होगा। फिर आपको खुद ही एग्जामिनेशन में ये समझ में आएगा, काश सईद आकिब की बात मान ली होती, यहाँ पे तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, उसमें फंस जाते हो फिर वहां पे, ठीक है? तो इसीलिए पहले ही मैं बता रहा हूँ, इन सब चीजों पे डिपेंडेंट ना रहे, सिर्फ और सिर्फ जो भी नोट्स है आपके, एनसीईआरटी है, इंस्टेंट नोट्स है, वो सारी की सारी पढ़नी है। फिर जेके बोस वाले को बताओ घुमाओ जितना पेपर को घुमाना है, मतलब ऐसा एटीट्यूड लेके जाओ। ये नहीं होना चाहिए कि मैं डिपेंडेंट हूँ पेपर सेट करने वाले पे, पेपर सेट करने वाले ने जो भी पेपर रखा होगा ना, तो आपको उसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपकी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि यू शुड बी लाइक कि डालने दो, जो पेपर डालना है फोड़ के आएंगे। तो ये एटीट्यूड रखो, गेस्ट पेपर वगैरह पे डिपेंडेंट ना रहो, ठीक है? बाकी मैं भी आपको गेस्ट दे सकता हूँ, बहुत सारे गेस्ट दे सकता हूँ, गेस्ट भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, इसमें सारे के सारे सिलेबस के क्वेश्चन होंगे, फिर बताऊंगा देखो इसमें से ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है? इट्स ऑब्वियस कि उसी में से आएगा, ठीक है? आई होप कि आपको बात मेरी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, शेयर करें हर एक बच्चे के साथ, और साथ ही साथ हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। और साथ ही साथ अब टारगेट है हमारा 50K, इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है आप जल्द से जल्द उस चीज को भी कंप्लीट कराएंगे, और इंशाल्लाह हम मिलते हैं कश्मीर में। मैं 2 अप्रैल को आ रहा हूँ कश्मीर, इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों से। बाकी हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।